सोशल मीडिया के जरिए भाजपा और भाजपा प्रचार समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस पर किए जा रहे लगातार हमलों का माकूल जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। अगर कांग्रेस के कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए तो सोशल मीडिया पर कांग्रेस की तरफ से कोई आक्रामक रवैया नहीं अपनाया जा रहा था। देर से ही सही, लेकिन अब कांग्रेस को समझ में आ गया है कि सूचना क्रांति के युग में सोशल मीडिया जवाब देने का सबसे जबरदस्त माध्यम है। सोशल मीडिया का यूज़ और मिसयूज़ दोनों कर रहे हैं, और हाफ ट्रूथ्स और रूमर मॉन्गरिंग का भी काम सोशल मीडिया से किया जा रहा है बहुत से राजनीतिक दलों द्वारा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में कांग्रेस पार्टी समझती है कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनकी सही विचारधारा, सच्चाई लोगों तक पहुंचे, खासतौर पर युवा पीढ़ी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कई बार पार्टी को अपने ही नेताओं के बेतुके ट्वीट से फजीहत का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए मीडिया सेल ने प्रवक्ताओं को पार्टी लाइन से बाहर न जाने की सख्त हिदायत भी दी है। इसी तर्ज पर सोशल मीडिया पर काम करने वाली टीम को भी पार्टी लाइन और उसके तौर तरीकों का पालन करने की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। सभी जो प्रदेशों में हमारा कम्युनिकेशन सेंटर होगा, उस कम्युनिकेशन सेंटर के 3 डिपार्टमेंट होंगे और सोशल मीडिया उनमें से एक डिपार्टमेंट है, एक रिसर्च डिपार्टमेंट है और एक स्पोक्स पर्सन का डिपार्टमेंट है। इससे पहले भी कांग्रेस ने खिड़की नाम से एक वेबसाइट तैयार की थी जिसमें पार्टी के पदाधिकारी अपने विचारों को आपस में साझा कर सकते थे, लेकिन इसका वास्ता आम जनता से नहीं था। अब पार्टी चाहती है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए दोतरफा संवाद का रास्ता खोला जाए जिससे पार्टी के अंदर और बाहर के लोगों की प्रतिक्रिया को जाना जा सके और उसका सटीक जवाब दिया जा सके। अजय विक्रम सिंह, DD News।